फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे सहमास घाटी में स्वागत है। आज मैं आपको एक नया फ्लावर पॉट, छोटे से गमले में बड़ा पेड़, देखिए कितने बड़े फ्लावर हैं, देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं और कितने बड़े बड़े साइज में, देखो देखिए कितना बड़ा फ्लावर, देखिए ये देखिए। और एक फूल में, एक पेड़ में दो दो सेट, देखो ये देखो कितना खूबसूरत अलग कलर है और ये कलर एक ही ब्रांच है, देखिए अलग अलग ब्रांच भी नहीं है, एक ही पेड़ में दो कलर के फूल हैं, देखिए कितने प्यारे प्यारे लग रहे हैं और डबल शेप में, देखिए थोड़ी सी केयर बस करनी पड़ती है, देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं, देखिए देखिए। और एक ये देखिए कितना छोटा सा पेड़ है और देखिए कितने छोटे से मैं गमले में रखा है, इसको किस तरह ग्रो करेंगे, छोटे से पेड़ में पेड़ लगाएंगे, है ना। देखिए मेरे सारे पेड़ छोटे से गमले में, छोटे छोटे से गमले में, देखिए देखो दिख रहा है ना, और कितना हेल्दी, देखिए थोड़ी सी केयर, कम फर्टिलाइज़र में और ज़्यादा मिट्टी की भी ज़रूरत नहीं है, देखो थोड़ी सी मिट्टी में, देखिए इसमें भी मेरे कल में, मैं इसमें घर में छोटा सा पुराना डिब्बा पड़ा था उसमें मैंने लगाया है, देखिए। और देखिए कितनी सारी कलियां हैं, देखो कितनी सारी कलियां हैं, कितनी अच्छी लग रही हैं। इसमें थोड़ा सा बस, इसमें अप्रैल मार्च तक ये फूल देते हैं और आप अक्टूबर नवंबर में ये लगाया जाता है। मैंने सब कटिंग और कुछ छोटे से पेड़ में, छोटे छोटे से पेड़ उसे लेके आई थी अपने नर्सरी से, परचेज करके लेके आई थी और थोड़ी सी केयर की है। और देखिए छोटे से पेड़ में, गमले में देखिए कितना बड़े पेड़ लगा हुआ, देखिए देखिए। इसकी सॉइल में बस 50% गार्डन सॉइल, 20% रेत और 20% खाद। ये खाद और पानी बहुत यूज करते हैं, इनको ज़्यादा चाहिए, किसी बड़े बड़े फूल होते हैं, देखिए कितने बड़े बड़े फूल है, देखिए साइज़ देखिए फूल का, हाथ से भी बड़ा फूल है, देखो। और कितनी सारी कलियाँ, देखिए कितनी ढेर सारी कलियाँ हैं इसमें, देखिए दिख रहा है ना, देखिए ये देखिए इधर भी सब कलियाँ कलियाँ से पूरा पूरा भरा हुआ है, काफ़ी पेड़ है मेरे पास, देखिए कितने। इसकी केयर एंड फर्टिलाइज़र एंड वाटरिंग मैं बताऊंगी, जिससे आप इतने छोटे से गमले में इतना बड़ा पेड़ लगा सकते हैं। इसमें खाद की ज़्यादा मात्रा होती है, आप इसमें खाद ज़्यादा डालिए और लिक्विड खाद सबसे ज़्यादा रखिए, भले ही आपका गमला छोटा है, मिट्टी थोड़ी सी है, मगर लिक्विड खाद और वैसे और कंपोस्ट खाद, देखिए इस तरह से, देखिए मैं गमले में रखती हूँ कंपोस्ट खाद, ये देखिए ये कंपोस्ट खाद, इनको लीजिए जरूर, ज़्यादा नहीं है कि मिट्टी, देखिए इतना बड़ा छोटा सा गमला है। इसमें ये करती हूँ, पानी ज़्यादा ज़रूरत होती है तो मैं एक थाली रख देती हूँ, इसमें पानी भर के रखती हूँ, जिससे हर वक्त इनको गीली मॉइस्ट मिट्टी रहे, ड्राई नहीं होनी चाहिए, ड्राई होगी तो ख़राब हो जाएंगे पेड़, छोटे हो जाएंगे और सूख जाएंगे, इसलिए। और लिक्विड खाद, नीम खली, सरसों खली एंड खाद को एक हफ्ते के लिए रख दीजिए, उसमें रखने के बाद वही पानी डबल करके सारे पेड़ों में दीजिए, जिससे आपको एनर्जी मिलती रहेगी पेड़ों को। हफ्ते में एक बार तो ज़रूर देते रहिए, ज़्यादा बंद मत करिए, इससे कलियाँ अच्छी आएँगी, पत्तियाँ अच्छी हो, देखो कितना खूबसूरत लग रहा है और कितनी सारी कलियाँ हैं, कोई पंचिंग नहीं है, पंचिंग देखो तब भी देखिए कितनी फारी फूल, देखिए फूल देखिए साइज, देखिए देखिए मैंने निकाला भी नहीं है, इसमें मैंने सूखने दे रही हूँ उस फूल को, इसी से बेसी इसी से सीड्स करूँगी। और ये कटिंग से होता है तो यहाँ से कटिंग कीजिए और ये लगा दीजिए, जैसे कि मेरी कटिंग देखिए रखी मैंने लगा के, मेरी ये चल गई है, देखिए ये मेरी देखिए कटिंग, देखिए इस तरह से कटिंग लगी जाती है, जिससे मेरी ये चल गई है कटिंग। अब मैं इसे बड़े में थोड़े से दिन में बड़े में शिफ्ट कर दूँगी और उसमें कटिंग आपको बताऊँ यहाँ से कटिंग की, ये देखिए यहाँ से करिए और किसी भी मिट्टी में लगा दीजिए आपने गार्डन वाली, और उसमें देखिए एक हफ्ते में आ जाएगी और उसमें ब्रांचेज सबसे ज़्यादा कटिंग से अच्छे फ्लावर देता है ये, और सीड से इसमें देखो ये सीड्स निकलेंगी, ये फूल सूख जाएगा तो इसमें से सीड निकलेंगी, बड़े बड़े सौंप जीरे की तरह बड़े बड़े पेड़, इतनी बड़ी बड़ी होती है सीड्स, तो वो लगाई जाती है बरसात में, अप्रैल मई जून में तो नहीं लगाई जाती है, और ये मार्च में भी नहीं, मार्च तक तो फ्लावर नहीं, मार्च में सीड्स निकलेंगी इसकी, फिर उसके बाद ये आपको अक्टूबर नवंबर में सीडिंग कर दिए, बरसात के सीजन में सीडिंग कर दीजिए और वही लगाइए, बहुत अच्छे फ्लावर देंगे। और इसमें आपको इसमें जो कीड़े लग जाते हैं तो हफ्ते में 15 दिन में नीम खली का स्प्रे करते रहिए और कीड़े भी आपके मर जाएंगे, और कितने देखो फ्लावर देगा, कितने बड़े बड़े फूल हैं, देखो कितने अच्छे लग रहे हैं, और देखिए छोटे छोटे से, और कितना बेहतरीन फूल, खूबसूरत, देखिए इसी तरह आपको भी पेड़ मिलेंगे, बहुत अच्छे लगेंगे। छोटे से थाली में लगा दीजिए पानी, देखिए इसी में लिक्विड देती रहिए, और अपना छोटे ज़्यादा मिट्टी नहीं होती किसी के पास, गोबर खाद नहीं मिलती है, जिससे नीम की खली और सरसों की खली हर जगह मिल जाती है, ये लगा लीजिए और इसे डालते रहिए अपने पेड़ों में। देखिए मेरे में इसमें कोई खाद नहीं है, देखिए कोई खाद नहीं है, देखिए देखिए देखिए
वाटिंग, ये वाटिंग मांगता है। इस तरह की वाटिंग कर दीजिए जब कभी, और ज़्यादा गीली होती तब मत वाटिंग। इस तरह से वाटिंग कर दीजिए, गीली रहे हर वक्त मिट्टी, और उसमें बस लिक्विड खटरा डालते रहिए फर्टिलाइजर, और बहुत अच्छे पेड़ रहेंगे। देखिए कितने हेल्दी है, कोई खाद नहीं है, कितने अच्छे चल रहे हैं। और भी कोई जानकारी लेने इसी आप मेरे कमेंट्स में कमेंट्स करिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।